हेलो एंड वेलकम टू एकेडमी बाय एसएस। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के डिफरेंस के विषय में। और इससे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कुछ हद तक हमने पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से उसकी कोई डेफिनेशंस या मीनिंग होते हैं सिंपल टर्म्स में, तो वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या डिफरेंस होते हैं। देखिए, डिफरेंस को हम सिंपल टर्म्स में समझने के लिए, है ना, एग्ज़ाम में, वैसे से सही कहूँ तो एग्ज़ाम में लिखने के पर्पज़ से, है ना, हम इसको यहाँ पर ले रहे हैं। और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान कीजिए कि दो बातें देख लीजिए। ऊपर हिस्ट्री हेडिंग मैंने बना रखी है, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन सिंपल टर्म्स। ठीक है, सिंपल टर्म्स मैंने इसमें यहाँ ऐड कर दिया है, लेकिन आप चाहो तो इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिएगा जब एग्ज़ाम में आप लिखेंगे। चलिए, तो पहले ग्रोथ देखते हैं। तो ग्रोथ क्या है, देखिए कुछ पॉइंट तो इसके आपको उसकी डेफिनेशंस वगैरह से ही मिल जाएंगे, तो वहाँ पर ये डाल सकते हैं। जैसे हम पहला पॉइंट अगर हम डालें, पहला पॉइंट इसमें डाला जा सकता है कि क्या है, ये एक फिजियोलॉजिकल चेंज है ना, फिजियोलॉजिकल चेंज है, फिजियोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल चेंज, स्ट्रक्चरल, ये क्या है, फिजियोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल चेंज। ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। फिजियोलॉजिकल का मतलब है जैसे कि अगर उसके हार्ट रेट में चेंज होना है ना, या उसके अंदर के जो डाइजेशन है उसमें क्या चेंजेस हो रहा होगा, है ना, और स्ट्रक्चर में जैसे कि उसके हाथ पैरों में क्या लंबाई बढ़ रही है घट रही है, तो वो स्ट्रक्चर चेंज होता है। पहली बात तो है ग्रोथ है तो। और यहाँ हम बात कर सकते हैं डेवलपमेंट की। जब हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट में विषय में इसका ये ओवरऑल चेंज है ना, ये केवल इसमें हम स्ट्रक्चर फिजिकल नहीं, ये ओवरऑल एक चेंज, ओवरऑल इस रिफर्स टू ओवरऑल चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म एज ए होल, है ना, ओवरऑल चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म एज ए होल। ठीक है ना, और इसको अगर थोड़ा और लिखना हो तो हम कह सकते हैं कि इट इन्वॉल्व चेंजेस इन एंड ऑर्डरली एंड कोहेरेंट, ऑर्डरली भी है कोहरेंट भी है, कोहरेंट मैंने बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं आएगा, एंड टाइप टुवार्ड गोल ऑफ मेच्योरिटी। देखिए, एक डिस्क्लेमर मान लीजिए कि ये नोट्स जो है कोई उसके नहीं है, बहुत ज़्यादा जगह से मैंने इंक्लूड किया है ना, तो कुछ बुक्स का है, कुछ इंटरनेट का है, अलग अलग जगह से जो सिंपल लगा वो मैं आता हूँ, मेरा कोई इसमें ओरिजिनल नहीं है। ये भी सब मटेरियल जो है कहीं ना कहीं बुक्स का है। हाँ, हो सकता है मेरा एग्जांपल या अपने हो सकते हैं, जो वो मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। और मैं ऑलरेडी साइकोलॉजी और एजुकेशन दोनों का ही मतलब अपने बारे में ज़्यादा मैं बताना नहीं चाहूँगा। मैं ज़्यादा मतलब मेरे को सही है कि आपको क्या इसमें लगता है वीडियो में और आपको क्या काम आता है वो आप देख लीजिए। ठीक है, वैसे मैं दोनों सब्जेक्ट मेरे लिए नोन सब्जेक्ट है, इतना मैं आपको बता दूँ। ठीक है, चलिए। तो ये टॉपिक वैसे भी दोनों एजुकेशन और ग्रोथ, है ना, से दोनों से रिलेटेड है, एजुकेशन और सॉरी साइकोलॉजी से दोनों से रिलेटेड है। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट में इसको लिख सकते हैं कि ये क्या है, लिमिटेड टू जनरली, है ना, जनरली या मे बी, क्या है, लिमिटेड है किसके तरीके, लिमिटेड लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव चेंज। ये सब इसकी इसमें भी हम बात करते हैं कि जो ये है किसमें, ये जनरली मात्रात्मक चेंजेस जो होते हैं उनसे ही इसका संबंध होता है। ठीक है, जबकि हम यहाँ बात करेंगे जब, तो यहाँ ये मात्रात्मक, यहाँ पे गुणात्मक होता है। एक ओवरऑल चेंज तो है ही, है ना, ओवरऑल चेंज, जो कि ओवरऑल चेंज किसके कारण हो रहा है, जो चेंजेस है दोनों क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक और गुणात्मक, ओवरऑल, है ना, क्वालिटी और क्वांटिटी चेंजेस दोनों ही इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, पूरा मैंने लिखा हूँ, तो ये पॉइंट है। और अब बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट पे आ जाए।
तीसरे पॉइंट को हम देखते हैं तो ये कहेगा देखिए, मैं इसको सिंपलीफाई कर रहा हूँ इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ कि एग्जाम में भी शायद आप इतना ही जनरली यहाँ पे लिख पाए। ये क्या है? कंटिन्यूस होगा थ्रू आउट लाइफ? नहीं, ये क्या है? नॉट थ्रू आउट लाइफ, यहाँ पर ये बात करते हैं हम। और यहाँ हम क्या बात करते हैं कि ये क्या है, ये प्रोसेस क्या है सिंपल अर्थों में, कि कंटिन्यूअस थ्रू आउट लाइफ। जिंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया है क्या? डेवलपमेंट। ठीक है, और क्या है? ये मैच्योरेशन पे स्टॉप हो जाता है, स्टॉप जनरली जब मैच्योरेशन पूरी हो जाती है, परिपक्वता आ जाती है, तो ये स्टॉप कर जाता है। जबकि यहाँ पर हम बात करेंगे नहीं, है ना, इट इज प्रोग्रेसिव, इट इज प्रोग्रेसिव। तो कब खत्म होता है? प्रोग्रेसिव, इसको लिख सकते हैं आप, गोज, जनरली एक फेमस वो है, गोज फ्रॉम वर्म टू टॉम, है ना, माता की कोख से, ठीक है ना, कोख से और कब कब तक, कब्र तक का प्रोसेस है, चलता रहता है। ठीक है, तो अब पांचवे पे देखते हैं क्या कहता है ये। पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें कि ये क्या है, अकर्स ड्यू टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स, अकर्स ड्यू टू मल्टीप्लीकेशन, मल्टी गुणन करना, मल्टीप्लीकेशन कोशिकाओं का गुणन है। कोशिकाएं जो है ना, एक का दो बना, दो का चार बना, है ना, एक की दो दो बनी, इस तरह से फिर ये दो का दो बना, तो एक तरह से मल्टीप्लीकेशन है इसका, सेल्स का, कोशिकाओं का मल्टीप्लीकेशन कह सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इसका जो अपोजिट पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हम मल्टीप्लीकेशन बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये क्या है, एक तरह का अकर्स ड्यू टू बोथ मैच्यूरेशन एंड इंटरेक्शन, किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है ना, तो दोनों के कारण होता है, बोथ मैच्यूरेशन एंड इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। ये तो मल्टीप्लिकेशन के कारण हो रहा है और वो एनवायरनमेंट इंटरेक्शन के साथ दोनों काम हो रहा है। तो एक दूसरा अगला पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं कि ये क्या है, इट इज सेलुलर, सिंपल पॉइंट है, कोशिकीय है। और ये कैसा है? ये है ऑर्गेनाइजेशनल, आप देखें ना, इट इज संगठन, संगठनात्मक जैसे कहेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर कर दीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन है तो वो सेल भी इसमें इंक्लूड है, सेलुलर तो ऑलरेडी इंक्लूड है, तो यह ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ संगठनात्मक जो है ढांचे में बदलाव है, संगठन जो उसका है, कई चीज़ों का एक इंटीग्रेशन है, कई फैकल्टीज का या कहेंगे कैपेबिलिटीज का उसका ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉपर, कहाँ होता है, डेवलपमेंट में, जबकि ये केवल सेलुलर के हम बात करते हैं, है ना, कोशिकीय में बदलाव जो हो रहे हैं, चाहे उसका साइज बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहे हैं, वहाँ हम बात कर रहे हैं। यहाँ हम वो किस तरह से ऑर्गेनाइज भी हो रहे हैं, मतलब अगर इसको केवल मैं बायोलॉजी के टर्म में समझाने की कोशिश करूँ आपको, तो ये कह सकते हैं जैसे एक सेल का दो बन गया, है ना, मतलब धीरे धीरे जो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हुआ या फिर ऑर्गेनल सिस्टम पर आया, तो बाद में वो संगठनात्मक है, कोई कोई पर्टिकुलर टिश्यू का कोई जो गुच्छा है वहाँ तक तो बन गया, लेकिन उसके बाद वो काम क्या करने लगा, है ना, उसमें डिफ्रेंशिएशन हुआ, वो काम करने लगा, तो वहाँ जब हम बात करेंगे तो मतलब हायर हायरार्की में ये टॉप लेवल पर आ गया, ऑर्गेनाइजेशन संगठनात्मक जो है बदलाव जो है वो किसमें आते हैं, डेवलपमेंट के अंदर।
सातवां पॉइंट देखिए, इसमें क्या लिख सकते हैं आप कि सिंपल, वैसे तो इस पॉइंट को हम बहुत पहले लिख सकते थे कि इट्स ग्रोथ क्या है, इट इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, यहां ये कहते हैं कि एक वाइडर एंड कॉम्प्रेहेंसिव टर्म है, वाइडर एंड कॉम्प्रेहेंसिव है, इंक्लूड दैट, इसमें लिख सकते हैं आप दैट इंक्लूड ग्रोथ, इसमें इंक्लूड भी कर जाती है। आठवां पॉइंट में क्या लिखेंगे आप, इसमें लिख सकते हैं कि थोड़ा अलग सा पॉइंट देखिए, ये क्या कह रहा है कि इट मे रिफर्स टू ग्रोथ में, इट मे रेफर्स टू चेंज चेंज इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ बॉडी एंड और बिहेवियर, ना एंड भी कह सकते हैं और बिहेवियर। लेकिन जो ग्रोथ की बात करते हैं तो थोड़ा लिमिटेड कॉन्सेप्ट में आता है ना, तो वो सोचते हैं किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ बॉडी के, किसी एस्पेक्ट में, किसी पर्टिकुलर भाग में कोई चेंज हो रहा है, या उसके पर्टिकुलर बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म में कोई चेंज हो रहा है, पर्टिकुलर की बात कर रहा है किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, तो वहां पर हम ग्रोथ को कह सकते हैं कि ये ग्रोथ हो रही है। लेकिन जब हम इसको देखिए सातवां, यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, यहां पर हम जनरली हो रहा की बात कर रहे हैं ना, चेंजेस डेवलपमेंट इंक्लूड दिया करेंगे, रेफर्स टू चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म एज ए होल। ठीक है ना, और क्या लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं बहुत अच्छा पॉइंट है ये, मतलब ज्यादा अच्छा डिफरेंशिएशन इससे आ रहा है। एक पॉइंट है कि देखिए ग्रोथ में, इसमें बात आते हैं हम मेजरमेंट की, अगर जब कैसे मापेंगे हम ग्रोथ को ना, तो ये क्या है कि ग्रोथ इज सब्जेक्ट टू मेजरमेंट। आप ग्रोथ को कहीं ना कहीं माप सकते हैं, है ना, उसको मेजर कर सकते हैं आप, एंड मे बी क्वांटिफाइड, नहीं जी जो है भी है, वैसे भी क्वांटिटेटिव चेंजेस को हम जनरली ग्रोथ कह रहे हैं, तो क्वांटिफाइड कर सकते हैं, मेड बी क्वांटिफाइड, है ना, मात्रात्मक वे में हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, एंड ऑब्जर्वेबल होता है, ऑब्जर्वेबल इन नेचर। तो ये तीन बातें इसमें हैं, देखिए एक वो हम मतलब ऐसे कह सकते हैं कि ग्रोथ इज मेजरेबल होती है, क्वांटिफाइड हो सकती है ना, ऑब्जर्व की जा सकती है, ग्रोथ को हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं, और जब यहाँ बोलते हैं हम जनरली क्या होता है, जनरली देखिए यहाँ आसानी से हम मेजर कर रहे थे ग्रोथ को, यहाँ हम कहते हैं जनरली नॉट या नॉट इजी, कह लीजिए इजी टू मेजर, बहुत आसानी से आप मेजर नहीं कर सकते डेवलपमेंट को, है ना, डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली नहीं कर सकते, वैसे तो टूल्स होते हैं, जैसे आपको पता ही है अभी इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस बढ़ रही है, तो उसके लिए टूल यूज करेंगे आप, है ना कुछ हद तक, जबकि वो अगर आप साइकोलॉजी में देखेंगे तो हम उनको बहुत ज़्यादा रिलायबल भी नहीं कहते, है ना, कई उनमें भी कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं कि आप इंटेलिजेंस को किसी को ज़्यादा कह रहे हैं, किसी को कम कह रहे हैं, है ना, तो चलिए तो ये वाली बात है कि डायरेक्टली ऑब्जर्व हम उसे करना मुश्किल होता है ना, और बट या कह लीजिए एंड कैन बी
असेस्ड थ्रू, कैसे आप फिर उसको करेंगे जब डिफिकल्ट है मेजर करना, तो इसको करेंगे आप थ्रू कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो आप ये पॉइंट, अच्छा पॉइंट आप लिख सकते हैं। जनरली क्या है, इसको मेजर करना डिफिकल्ट है, जनरली नॉट इजी टू मेजर, बट देन कैन बी असेस्ड, है ना। असेस्ड का एक टर्म है जो कि हम मेजरमेंट से एक तरीके के बड़े टर्म है, जहाँ हम असेसमेंट की बात करते हैं तो हम कई चीज़ें देखते हैं, केवल मेजरमेंट तो सिंपल पिन पॉइंट या न्यूमेरिकल वैल्यू में काउंट कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे जब हम पर्सनैलिटी या इस तरह की चीज़ें के साइकोलॉजी में बात करते हैं, हम असेसमेंट की बात करते हैं। तो असेसमेंट थ्रू तीन ऑब्जर्वेशन, बड़े ही ध्यान से जो हम ऑब्जर्व उनको किसी व्यक्ति को या उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको डिफरेंट सिचुएशन में ऑब्जर्व करते हैं, तब हम कुछ हद तक डेवलपमेंट के बारे में हम जान सकते हैं, ठीक है ना। तो जब भी इसको मतलब इस पॉइंट को समझने के लिए आप सोचिए कि जैसे इमोशनल डेवलपमेंट किसी का हो रहा है, आप उसको कैसे मेजर करेंगे, है ना। कहीं ना कहीं आप उसको सिचुएशन में देखेंगे कि वो किस तरह से कैसा बिहेव कर रहा है ना। बच्चा जो है पहले जल्दी से रोने लग जाता था, अब नहीं रो रहा है। तो इस तरह की बातों को अंदर करने आपको कीन ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी और अलग अलग सिचुएशन में उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गए पॉइंट्स, और अब आ जाइए एक और पॉइंट देता हूँ मैं आपको, देखते हैं 10वें पॉइंट बात है। एक अच्छा पॉइंट ये है कि जो ग्रोथ है इट मे और मे नॉट, दोनों बातें मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट, और यहां हम कहते हैं इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू समझ लीजिए, ऐसा हो सकता है कि ग्रोथ हो रही हो लेकिन डेवलपमेंट ना हो रही हो, है ना। ऐसा हो सकता है कि ग्रोथ तो हो रही है ना, साइज तो बढ़ गया लेकिन उसकी सोशल डेवलपमेंट नहीं हुई, है ना। हाथ पैर तो खूब बढ़ गए, शरीर बढ़ गया लेकिन सोशल डेवलपमेंट नहीं हुई, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हुई, तो क्या कहेंगे। तो ये वाले एग्जाम्पल है, तो मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। ग्रोथ जरूरी नहीं है कि डेवलपमेंट लाए, या हो सकता है ना भी लाए, लेकिन इसी तरह से ये वाली बात यहाँ पर भी आ जाती है कि ग्रोथ हो, डेवलपमेंट पॉसिबल है विदाउट ग्रोथ। हो सकता है उसके शरीर पर नहीं बन रहा हो लेकिन वो मैच्योर हो रहा है, वो मतलब वो डेवलपमेंट उसका पॉसिबल है, उसका सोशल इमोशनल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आगे बढ़ रहा है ना, वो हमेशा बढ़ रहा है, उसको एक्सपीरियंस हो रहा है ना, उसमें कई चीज़ें उसमें इंक्लूड करती हैं, डेवलपमेंट तो एक वाइडर टर्म है, तो वो पॉसिबल है ग्रोथ के बिना भी, ठीक है ना। तो इतने पॉइंट्स बहुत हैं, ठीक है, ये 10 पॉइंट, इनमें मोस्ट प्रोबेबली मैंने आपको डेवलपमेंट और ग्रोथ का जो डिफरेंस है सिंपल टर्म्स में लिखने के लिए भी आपको मैंने समझा दिया है। तो थैंक यू।